गुरुवार की देर रात कस्बा कोसीकला में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। जयंती उत्सव का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गुर्जर, भाजपा नेता तरुण सेठ ने बाबा साहब की झांकी की आरती करके किया। इस मौके पर समाज के सैकड़ों लोग एवं कस्बे के प्रमुख समाजसेवी झांकियों के साथ चलते नजर आए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई झांकियां रामनगर से प्रारंभ होकर बलदेवगंज, घंटाघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, थाना रोड, होली गेट पर पहुंची। झांकियों का पूरे कस्बे में जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर कस्बे की दर्जनों लड़कियों ने डंडाशाही का बेहतरीन प्रदर्शन किया। विकलांग लोग भी झांकियों के साथ अपनी अपनी साइकिलों से चलते हुए नजर आए, जो कि लोगों का आकर्षण केंद्र है। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य हरि सिंह चौधरी, भाजपा नेता कन्हैयालाल गोयल, सुरेश प्रधान सहित अन्य दर्जनों लोग जयंती में मौजूद रहे। बाबा साहब की पहचान एक संविधान निर्माता के तौर पर की जाती है, इसको लेकर के प्रतिवर्ष बाबा साहब की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस बार बाबा साहब की 131वीं जयंती को सभी लोगों ने समरसता दिवस के रूप में मनाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गुर्जर एवं जिला पंचायत सदस्य हरि सिंह ने जानकारी दी। आज गरीबों का मसीहा बाबा साहब की जयंती है, भारत के इतने महान पुरुष की जयंती है जिन्होंने दबे कुचले गरीबों को न्याय दिलाया, संविधान बनाया। बड़ी खुशी से पूरे शहर में धूमधाम से इस जयंती को मनाया जा रहा है और बहुत ही सब लोग खुश हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ। बाबा साहब ने शिक्षा के लिए बोला था, संगठन के लिए बोला था और एक होने के लिए बोला था। आज बाबा साहब का जन्मदिवस पूरे हमारे कोसीकला ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। बाबा साहब गरीबों के अनुयायी थे और मैं सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कहता हूँ। जय भीम कहता हूँ और नमो बुद्धाय कहता हूँ। जय संविधान। आज इस देश के शिल्पकार बाबा साहब का 131वां जन्मदिन है और बाबा साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने रानी के पेट का ऑपरेशन करके एक आम आदमी को राजा बनने का अधिकार दिया, उन्होंने वोट का अधिकार दिया। आज संविधान जो हम लोग संविधानिक व्यवस्थाओं का लाभ ले रहे हैं, एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़ लिख के और बड़ा अधिकारी बनता है, बड़ा नेता बनता है, ये सब बाबा साहब की देन है। और आज इस शिल्पकार का जन्मदिन है इसलिए ये पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे मथुरा ही नहीं, पूरे देश और वर्ल्ड में आज उत्सव का दिन है। आज बहुत अच्छा दिन है और बाबा साहब ने एक बात कही है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और जब शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसे पीता है वो कहीं भी धार सकता है। वृंदावन में भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इस शोभायात्रा में उनके अनुयायियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के डोले के साथ आदर जनक विभिन्न झांकियां निकाली गईं। बैंड बाजों के मध्य निकाली गई झांकी का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यह शोभायात्रा राधा निवास स्थित अम्बेडकर पार्क से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए अम्बेडकर पार्क पर आकर समाप्त हुई। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के पदाधिकारी केशव देव ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभायात्रा निकाली गई है, जिसमें समाज के साथ साथ सभी लोगों का विशेष सहयोग रहा है। 14 अप्रैल का दिन था जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत रत्न का, महामानव का, इस भारत भूमि की धरा पर आज के ही दिन आदुर्भाव हुआ था। उस महान दलितों के मसीहा, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने का जो जीवन है वो सराहनीय जीवन है। उनका जीवन चाहे छात्र हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे अर्थशास्त्री हो, चाहे समाज सेवक हो, सभी के लिए अनुकरणीय है। उनके ऐसा कार्य किया उन्होंने समाज सेवा के रूप में, जो जब तक धन और धरती रहेगी, जब तक चांद और सूरज रहेगा, जब तक बाबा का नाम रहेगा। क्यों रहेगा? जो आज देश में, पूरे भारतवर्ष में जो देश की एकता अखंडता है वो बाबा साहब के भारतीय संविधान के कारण ही है। भारतीय संविधान इस बात सिद्ध कर रहा है कि यहाँ पर चाहे गरीब हो, चाहे निर्धन हो, चाहे कोई हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे अपने विकास करने का अधिकार है, उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जीव और जंतु सभी लोग सुखी हैं, यहाँ पर किसी का उत्पीड़न नहीं हो रहा है,
चाहे मानव हो, चाहे पशु पक्षी, चाहे वृक्ष हो, सबकी सुरक्षा पर दी जाती है। यही भारत भूमि का उद्देश्य था, यही बाबा साहब का उद्देश्य था, यही आज भारत के सभी लोगों का इच्छा है। आज शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक? डॉक्टर अम्बेडकर पार्क से प्रारंभ हुई और नगर में भ्रमण करती हुई विभिन्न मार्गों से होती हुई जाटो धर्मशाला पर विसर्जन किया गया है। ये धर्मशाला, ये शोभा यात्रा इतनी सुंदर सराहनीय थी, उसमें चलने वाले हजारों लोग डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायियों ने ये सिद्ध किया कि हम शांत प्रिय लोग हैं, शांति के साथ में बाबा साहब का जन्म दिवस मनाते हैं और हम ऐसे व्यक्ति हैं जो विकास और संपन्नता के प्रतीक बन करके आगे हम उभरेंगे। जय भीम, जय भारत। वहीं गोवर्धन क्षेत्र के अणी कस्बे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर स्थानीय लोगों ने अम्बेडकर पार्क में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रमुख समाजसेवियों सहित कस्बे के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर समाज सेवा समिति के अध्यक्ष मुनीश स्वरूप के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर अपने विचार रखे। तत्पश्चात कस्बा के सैकड़ों लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मनमोहक झांकियां मध्य अणी कस्बा के मुख्य मार्ग एवं विभिन्न मार्ग व गलियों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहाँ कस्बे के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की झांकी पर फूलों की वर्षा कर यात्रा में चल रहे लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों में दिनेश सिहुरा, रिंकू सिहुरा, अमित रावत, भागीरथ, सोनू राजकुमार, बलबीर आदि उपस्थित रहे। इसमें कोरोना काल में 2 साल से हमारी बंद थी, आपके अम्बेडकर साहब की जयंती निकाली जा रही है, पूरी भव्य निकाली जा रही है और पूरे गांव में अम्बेडकर पार से पूरे गांव में होकर गली गलियों में निकाली जा रही है और गांव वालों ने बहुत ही हर्षोल्लास से फूल मालाओं से स्वागत किया है और अपना गाँव में निकाल के और बहुत अच्छा पूर्ण सहयोग मिला है। पुलिस प्रशासन अपने पूरे मुस्तैदी के साथ हमारे साथ है, शांतिपूर्ण तरीके से निकाली। बरसाना में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी के चलते गुरुवार को जाटा मोहल्ला स्थित सर्व समाज के लोगों के द्वारा बाबा साहब की 131वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसके अंतर्गत सर्व समाज के लोगों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। समाज सेवी लक्ष्मण सिंह ने माल्यार्पण करते हुए कहा कि प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर समता, समानता एवं मानवता के सूत्रधार थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री के रूप में सदन हिंदू कोड में बिल पास न करा पाने पर उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस अवसर पर सभासद विजय श्यामपाल, बलवीर मोहन, एडवोकेट महेश ठाकुर आदि उपस्थित रहे।